दोस्तों आईपीएल 2024 की रिटेंशन प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुकी है और अभी यहां पर सभी टीमों ने अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की ऑफिशियल लिस्ट अभी यहां पर अनाउंस कर दी है। आपको इस वीडियो में सभी 10 टीमों के रिलीज खिलाड़ियों के नाम बताए जाएंगे, तो आपके लिए यहां पर यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर वॉच करना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं हमारे चैनल पर नए, तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़े तमाम अपडेट्स की वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी टीमों की तरफ से यहां पर रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की। तो यहां पर दिल्ली की टीम ने जिन खिलाड़ियों को रिलीज किया है, इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है राइली रूसो का, नाम आता है चेतन साकरिया का, और नाम आता है रोमन पोवल का, इसी के साथ नाम आता है मनीष पांडे का, और नाम आता है फिलिप साल्ट का, इसके बाद नाम आता है मुस्तफिजुर रहमान का, नाम आता है कमलेश नागर कोटी का, और नाम आता है रिपिल पटेल का, इसके बाद नाम आता है सरफराज खान का, और यहाँ पर नाम आता है अमन खान का, और नाम आता है यहाँ पर प्रियम गर्ग का। तो यहाँ पर इन सभी खिलाड़ियों को अब दिल्ली की टीम ने अपनी टीम से रिलीज कर दिया है। अब यहाँ पर ये सारे खिलाड़ी आईपीएल ऑक्शन का भाग बनेंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की। तो यहाँ पर चेन्नई की टीम ने जिन खिलाड़ियों को रिलीज किया है, इनमें नाम आता है बेन स्टोक्स का, नाम आता है अंबती रायडू का, और नाम आता है ड्वेन प्रिटोरियस का, इसी के साथ नाम आता है भगत वर्मा का, और नाम आता है शुभांशु सेनापति का, इसके साथ ही नाम आता है आकाश सिंह का, और नाम आता है काइल जेमिसन का, और यहाँ पर नाम आता है सिसांदा मगाला का। तो यहाँ पर ये सभी खिलाड़ी अब यहाँ पर चेन्नई की टीम से रिलीज हो गए हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। तो लखनऊ की टीम ने जिन खिलाड़ियों को रिलीज किया है, इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है जयदेव उनादकट का, नाम आता है डैनियल सैम्स का, इसके बाद नाम आता है मनन वोरा का, और नाम आता है यहाँ पर स्वपनिल सिंह का, इसके बाद नाम आता है करण शर्मा का, और इसके बाद नाम आता है अर्पित गुलेरिया का, और नाम आता है सूर्यांश सिद्दीकी का, इसी के साथ नाम आता है करुण नायर का। तो लखनऊ की टीम ने इन सभी खिलाड़ियों को अब रिलीज कर दिया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं पंजाब किंग्स की। तो पंजाब की टीम ने जिन खिलाड़ियों को रिलीज किया है, इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है भनुका राजपक्षे का, और नाम आता है मोहित राठी का, नाम आता है बलतेज का, और नाम आता है यहाँ पर राज अंगद भवा का, और आखिर में नाम आता है यहाँ पर शाहरुख खान का। तो इन सभी खिलाड़ियों को पंजाब ने अपनी टीम से रिलीज कर दिया है। ये सभी खिलाड़ी अब आईपीएल ऑक्शन का हमें भाग बनते हुए दिखेंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। तो राजस्थान की टीम ने जिन खिलाड़ियों को रिलीज किया है, इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है जो रूट का, और नाम आता है अब्दुल बासित का, इसके बाद नाम आता है जेसन होल्डर का, नाम आता है आकाश वशिष्ठ का, और यहाँ पर इसी के साथ नाम आता है कुलदीप यादव का, नाम आता है ओबिड मैकोए का, नाम आता है मुरुगन अश्विन का, इसके बाद नाम आता है केसी करियप्पा, और यहाँ पर केएम आसिफ का। तो ये सभी खिलाड़ी अब यहाँ पर राजस्थान से रिलीज हो गए हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। तो कोलकाता की टीम ने जिन खिलाड़ियों को रिलीज किया है, इनमें नाम आता है यहाँ पर शार्दुल ठाकुर का, नाम आता है यहाँ पर लॉकी फर्गुसन का, इसके बाद नाम आता है शाकिब अल हसन का, और नाम आता है लिटन दास का, नाम आता है आर्य देसाई का, और नाम आता है डेविड वीजे का, नाम आता है नारायण जगदीशन का, इसी के साथ नाम आता है मनदीप सिंह का, और नाम आता है कुलवंत खिजरोलिया का, इसके बाद नाम आता है उमेश यादव का, और नाम आता है टिम साउदी का और जॉनसन चार्ल्स का। तो अब यहाँ पर ये सभी खिलाड़ी कोलकाता की टीम ने रिलीज कर दिए हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं आरसीबी की। तो आरसीबी की टीम ने जिन खिलाड़ियों को रिलीज किया है, इनमें नाम आता है यहाँ पर हर्षल पटेल का, और नाम आता है वनिंदु हसरंगा का, इसके बाद नाम आता है सिद्धार्थ कौल का, और नाम आता है शाहबाज अहमद का, इसके बाद नाम आता है फिन एलन का, और नाम आता है यहाँ पर जोश हेजलवुड का, नाम आता है माइकल ब्रेसवेल का, नाम आता है अविनाश सिंह का, नाम आता है डेविड विली का, और नाम आता है वेन पालनेल का, इसके बाद नाम आता है सोनू यादव और केदार जाधव का। तो इन सभी खिलाड़ियों को आरसीबी की टीम ने रिलीज कर दिया है। ये सभी खिलाड़ी अब आईपीएल ऑक्शन का भाग बनेंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। तो मुंबई की टीम ने जिन खिलाड़ियों को रिलीज किया है, इनमें नाम आता है जोफ्रा आर्चर का, इसके बाद नाम आता है ऋतिक शौकीन का, और नाम आता है क्रिस जॉर्डन का, इसके बाद नाम आता है ड्वेन जेनसन का, और नाम आता है स्टब्स का, और नाम आता है कैमरॉन ग्रीन का, नाम आता है अरशद खान का, नाम आता है रमनदीप सिंह का, और नाम आता है राघव गोयल का, इसके बाद नाम आता है झाई रिचर्डसन का, नाम आता है यहाँ पर राइली मेरेडिथ का, और नाम आता है संदीप वॉरियर का। तो यहाँ पर अब इन सभी खिलाड़ियों को मुंबई इंडियंस की टीम ने अब रिलीज कर दिया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। तो हैदराबाद की टीम ने जिन खिलाड़ियों को रिलीज किया है, इनमें सबसे पहले नाम आता है हैरी ब्रुक का, और नाम आता है कार्तिक त्यागी का, और नाम आता है आदिल रशीद का, इसके साथ ही नाम आता है मयंक डागर का, नाम आता है यहाँ पर अखिला हुसैन का, नाम आता है यहाँ पर विभ्रांत शर्मा का, नाम आता है समर्थ व्यास का। तो हैदराबाद से ये सभी खिलाड़ी अब यहाँ पर रिलीज हो गए हैं।
हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर गुजरात टाइटंस की, तो गुजरात की टीम ने जिन खिलाड़ियों को रिलीज किया है इनमें नाम आता है यहाँ पर हार्दिक पांड्या का, नाम आता है प्रदीप सांगवान का, इसके साथ ही नाम आता है यहाँ पर ओडिन स्मिथ का, और नाम आता है यहाँ पर दसुन सनाका का, इसके बाद नाम आता है यहाँ पर यश दयाल का, और नाम आता है केएस भरत का, नाम आता है यहाँ पर उर्विल पटेल का, नाम आता है शिवम मावी और अलजारी जोसफ का। तो यहाँ पर इन सभी खिलाड़ियों को गुजरात की टीम ने अब रिलीज कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी 10 टीमों से ये सभी खिलाड़ी अब रिलीज हुए हैं। वैसे आप सभी कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी टीम की यहाँ पर सबसे सही रिलीज लिस्ट लगी। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।